हे दोस्तों, सो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एक बुक के कवर के बारे में। डिजाइनिंग जो होगा वो हमारा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे होगा। सबसे पहले तो पेज का सेटअप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी नॉवल वगैरह या फिर कोई बुक है उसका साइज़ जो है आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्योंकि पेज का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी के बेसिस पे सारे डिज़ाइंस एंड बाकी सारे प्लेसमेंट जो है आप रखेंगे। तो आप प्रॉपर एक मेजरमेंट कर लें। यहाँ पे मैं एक डायमेंशन जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटेबल है तो CMYK होगा और 300 रिजोल्यूशन के साथ होगा। क्रिएट में क्लिक करेंगे। एक इमेज है जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो डबल क्लिक करके इसे अनलॉक कर लेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड को। और एक इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी नॉवल के कवर में, और उससे सारा अट्रैक्शन आता है। तो आप ये हमेशा कोशिश करेंगे कि जो भी थीम है आपका उसी से बेसिस पे आपको जो है वो इमेजेस वगैरह यूज़ करने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। क्या टाइटल रहेगा? सो टाइटल को प्रॉपर रखेंगे। किस तरह से फॉन्ट आप यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफिक फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। गूगल में जाके आप इस फॉन्ट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साइज़ वगैरह पे प्रॉपर आपको काम करना है। और आप जैसे दो पार्ट मुझे रखना है, द पावर ऑफ मोटिवेशन है या फिर मेडिटेशन है, लाइक मेडिटेशन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एक को हम लाइट रखेंगे, टाइपोग्राफी को सही तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो है उसे बोल्ड रखेंगे। वैसा कोई फिक्स नहीं है, आप इसे अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने एक यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन किया है। और आप अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा बेहतर है कि जब भी आप कवर वगैरह बनाते हैं तो कई सारे रेफरेंसेस को देख लें और वहाँ से एक आइडिया ले लें कि आपको क्या एग्जैक्टली बनाना है, क्या आपको चाहिए। और अपने कॉपी पे या नोटबुक पे पहले रफली लिख ले कि आपको क्या क्या टेक्स्ट वगैरह जो है वो फिट करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करने हैं। आइडिया के लिए रेफरेंस आप जो है वो देख सकते हैं। किस तरह से फोटोशॉप में इस चीज़ को बनाया जाएगा, जैसे यहाँ पे नीचे भी एक कोटेशन वगैरह जो है वो टाइप कर लेंगे ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। कवर को देख के ही एक आइडिया आ जाए कि उस नॉवल में या उस बुक के अंदर में क्या है, इस तरीके से हम इसे जो है रख सकते हैं। हर एक डिज़ाइन का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे मैगजीन वगैरह जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका अपना एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। किसी टेक्स्ट बुक को हम डिज़ाइन करते हैं या फिर किसी बुक्स को डिज़ाइन करते हैं जो बच्चों के लिए, तो उसका अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। तो उसी तरीके से जो नॉवल वगैरह उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, एंड दैट्स गुड। सो यहाँ पे मैं एक कोटेशन है जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिटेशन का, वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, एंड साथ ही साथ मैं अपना नेम मेंशन कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑथर वगैरह या जो भी है नॉवल उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं इस जगह को अपने नाम से फिल कर दे रहा हूँ। बाय लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है आप उसके लिखे, आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। नाउ कलर को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे और कलर वगैरह प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे कि किस तरह का थीम जो है आपको बनाना है। जैसे अगर आप बात करें जो थंबनेल मैंने आपके साथ शेयर किया, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग जो बनाना है तो वो कलर वगैरह प्रॉपर सेट कर लेंगे। बहुत बेसिक एडिटिंग करेंगे क्योंकि इमेज की क्वालिटी हमारी अच्छी है और एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट है, बहुत परफेक्ट ये लुक दे रहा है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने कलर के रिक्वायरमेंट अपने थीम के बेसिस पे जो है वो कलर को चूज़ कर लेंगे, कलर को डिसाइड कर लेंगे ताकि आप उसे फाइनली जो है वो ले सके। दूसरा एक चीज़ होता है साइड का स्ट्रिप, यानी जब बुक होता है उसमें साइड में भी स्ट्रिप देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंडल में रखा रहेगा तो पता नहीं चलेगा है ना कि कौन सा बुक है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग बुक को एक इस तरह से इसके नेम को भी डिफाइन कर दे। साइज़ वगैरह मैं यहाँ पे जो है वो ले रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड साइज़ है। आप जाके गूगल में भी टाइप कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई नॉवल वगैरह घर पर पड़ा है तो आप उसके साइज़ को भी स्केल कर सकते हैं, स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। और गाइस पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम ट्विटर पे मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पे भी मैं अपडेटेड रहता हूं, आप सभी के साथ जो है काफी सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूं, तो जरूर उसे देखिए एंड गाइस वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड अच्छा लग रहा हो वीडियो, लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी हमारी वीडियो जो है वो पहुंच सके। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आप फोटोशॉप को भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मास्टरी सीरीज मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नाउ सेव करेंगे एंड सेव करके से प्रॉपर एक्सपोर्ट करेंगे JPG के फॉर्मेट में। तो अभी मैं JPG में क्वालिटी जो है वो 100% रख रहा हूँ, बिकॉज ये प्रिंटेबल कंटेंट है। तो जब प्रिंट की बात आती है तो वहाँ पे आपको 300 रिजोल्यूशन के साथ उसकी क्वालिटी को 100% मैक्सिमम क्वालिटी पे जो है वो एक्सपोर्ट करना होता है। और सेव एज हम यहाँ पे कर लेंगे, कहाँ पे लोकेशन है, नाम जो है वो डिफाइन कर देंगे, एंड गाइज यहाँ पे JPG का सिलेक्शन कर लेंगे। अगर आप वेबसाइट के लिए एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका अपना अलग सेटअप होता है, लेकिन जब प्रिंटेबल की बात करते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा हाई रिजोल्यूशन रखेंगे।
यहाँ पे आप एक मॉकअप देख सकते हैं। मॉकअप क्या होता है, कहाँ से फ्री मॉकअप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए, डेफिनेटली मैं उससे रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए जो है वो बना दूंगा। फिलहाल जो है आप यहाँ पे पहले मॉकअप को यूज़ करना सीख लीजिए कि कैसे यूज़ करना है। तो अभी हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें मैंने रखी है, अनलॉक करके से हम डायरेक्ट ड्रैग करके उस वाले मॉकअप पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली सेम साइज पे रखेंगे एंड यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन होता है, सेव कर लेंगे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब साइड वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया, चलिए साइड वाला जो स्ट्रिप है ये वाला, इसे हम उठा के ले जाएंगे। और इसे उठा के ले जाने से पहले इसे अनलॉक करना पड़ेगा। एंड देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सेक्शन, ये हमें रिप्लेस करना है। तो डबल क्लिक हम करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन होता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है, इस जगह पे आप आके अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिप को मैं उठा के ले जाऊँगा और इसको प्रॉपर सही तरीके से अगर मैं सेट कर लूँ, यानी कंप्लीट ओवरलैप अगर ये कर जाता है, एंड फिर इसे क्या करना है, सेव कर लेना है, तो अपडेट हो जाएगा जो नया जेपीजी हमने बनाया है ना, वो अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ये सारी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है बाकी सभी पे भी। और ये मॉकअप काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता मॉकअप, लेकिन हाँ अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है वो आप सभी के लिए क्रिएट करूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से अपने वर्क को प्रेजेंट कर सके, अपने क्लाइंट तक पहुँचा सके। इससे आपका इंप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो खुद से भी अपने मॉकअप को बना सकते हैं, जैसे मैंने कई सारे प्लेलिस्ट या थंबनेल्स वगैरह जो बनाए हैं वहाँ पे आप देखिएगा, तो मैंने खुद से ही सारा चीज़ बनाया है। मॉकअप क्या होता है कि आपके टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर देता है, एक प्रोफेशनल फील दे देता है, एक प्रोफेशनल लुक आ जाता है। तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए। और जितने भी एक्सपीरियंस जो हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में वर्क वगैरह कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, वो जनरली इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट को एग्जैक्टली वो फील करवाने के लिए। मॉकअप्स इसलिए यूज़ किया जाता है कि क्लाइंट जो है ना वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है कि क्या आपके माइंड में डिज़ाइन का आइडिया है। तो मॉकअप आपको यहाँ पे हेल्प क्या करता है कि आपके क्लाइंट को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डिज़ाइन बना के फाइनल दे दो कि अगर वो कॉफ़ी मग है तो कॉफ़ी मग में वो लोगो है तो किस तरह से लगेगा, अगर वो टी शर्ट है तो टी शर्ट में डिज़ाइन किस तरीके से लगेगा, अगर वो बुक है तो बुक का जो फाइनल आउटपुट है वो किस तरह का दिखेगा। तो इससे क्या होता है ना कि देखो डिज़ाइनर जो है वो अपने बातों को एग्जैक्टली अपने क्लाइंट तक उसी रूप में जो है वो दिखा सकता है, विजुअल प्रेजेंटेशन जो है दिखा सकता है। इससे क्लाइंट को कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके से नहीं होगा, जो चीज़ आप एग्जैक्टली दिखाना चाह रहे हो वही चीज़ जो है वो समझ लेगा। नहीं तो डिज़ाइनर और उसके क्लाइंट के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। डिज़ाइनर अपने अकॉर्डिंग तो सारे डिज़ाइन अच्छे बनाते हैं, लेकिन क्लाइंट को एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता है कि आप किस तरीके से सोच के, क्या सोच के बना रहे हो, ये क्लाइंट को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बनाने की जिससे कि आपका जो क्लाइंट है एग्जैक्टली वही समझ सके जो चीज़ आप उसको समझाना चाहते हैं। अगर इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चाहिए, नीचे कमेंट पर मुझे ज़रूर बताइए। गाइज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे वीडियोस को अगर अच्छे लगते हैं तो। इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे जो है वो बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिलते जाएंगे। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे। दैट्स ऑल, बाय एंड टेक केयर।